नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मैप है नेवल स्ट्राइक डीएलसी का और इसका नाम है वेव ब्रेकर। और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे ये मैप लगा है। इसमें एक खासियत मैंने जो देखी है वो सबसे बड़ी खासियत ये लगी मुझे कि जो इसमें समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत आसपास जमी जमी रहती हैं और बहुत उफनती हैं धीरे धीरे, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत आसपास और बहुत उफनती हैं। तो ऐसा पहले सिर्फ हमने हैरन रिजॉर्ट में देखा है, जो बैटलफील्ड 4 का वनीला मैप है, उसमें कुछ हद तक जो आसपास एकदम पास पास लहरें रहती हैं, देखो आप देखो किस तरह से ऊपर नीचे वो होती हैं, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। और यही खास बात इस मैप में भी वेव ब्रेकर में। तो इसमें और बड़ी बात ये दे रखी है कि जो बीच में सेंटर पॉइंट दिया हुआ है वो एक तरह का सबमरीन बेस है, या हिंदी में कहा जाए तो पनडुब्बी कारखाना कह सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हो टीला बीच में जो है, वहाँ पे अंदर ले जाने के लिए दो रास्ते हैं, मेरे ख्याल से दो हैं, शायद दो ही हैं। और उन रास्तों से आप अपनी अटैक बोर्ड अंदर भी ले जा सकते हो, और अगर दुश्मन चाहे तो वहाँ अंदर पहुँच कर वो दरवाज़े बंद भी कर सकता है, जो दो दरवाज़े हैं वहाँ पर। और अगर दरवाज़े बंद हो गए तो आपको अंदर जाके ही खोलने पड़ेंगे, और अंदर जाने के भी, जैसे ऑपरेशन मोर्टार में है तो वहाँ अंदर जाने के भी काफ़ी और रास्ते हैं जहाँ पर जाके आप वो दरवाज़े खोल सकते हैं और फिर अंदर अपनी अटैक बोर्ड को ले जा सकते हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि अंदर छोटे छोटे नहर बने हुए हैं कि अगर आप अपनी बोट वहाँ पे आसानी से चला सको, पर बहुत टाइमिंग चाहिए क्योंकि मोड़ इतने सकड़े कर दिए गए हैं। मैंने चलाई थी तो मोड़ इतने सकड़े हो गए हैं कि आप अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, अटैक बोट आपको अच्छे से चलाना नहीं आ पा रही है, तो वहाँ पे अटकने की बहुत संभावना हो जाती है। और फिर वहाँ एक बार अटके तो अटक गए तो फिर अटक ही गए समझो, क्योंकि दुश्मन अगर चालाक है तो आपकी एक भी गलती वो क्षमा नहीं करेगा और आपका सफाया कर देगा। तो ये बात है, पर अगर आप चालाक हो और आप अंदर घुसने में कामयाब रहे और आपके साथ रिपेयर करने वाले बंदे बैठे हैं, आपकी स्क्वाड बैठी है और आपने 30mm कैनन ले रखे हैं, 30mm कैनन में एक घाटा ये होता है कि इनकी जो अमाउंट होता है वो हमें बहुत कम मिलता है, इनकी जो मैगजीन हमें बहुत कम मिलती है खर्च करने के लिए। 25mm कैनन बहुत ज़्यादा होती है 30mm कैनन के मुकाबले अगर आप उसको इक्विप करते हो तो, पर उसमें घाटा ये होता है कि उनका डैमेज कम होता है, क्योंकि इस अगर आप एक बार अंदर घुस गए तो इन्फेंट्री के साथ साथ आपको बाहर की कॉम्बैट भी लड़नी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अंदर ही जाके लड़ोगे, पर इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, अंदर घुसकर आप अटैक बोट ले जाओ और अच्छे से अगर आप चला रहे हो तो अगर 64 का सर्वर है पड़ा हुआ है एकदम खचाखच दुश्मनों से, तो बहुत लंबी किल स्ट्रीक पे आप जा सकते हो। ये मैंने बात नोट करी है, और मैं भी एक बार अंदर घुसा था और काफ़ी सारे बंदों को मैंने मारा था, तो बहुत लंबी किल स्ट्रीक पे आप जा सकते हो। पर इसी के साथ साथ अगर चालाक बंदे हैं तो जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे आप वो जहाँ पे नहर हैं सकड़े वहाँ पे वो M2 Slam भी लगा सकते हैं। और कई बार जब आप निकलते हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आप अंदर जाऊँगा तो आप देखना कि थोड़ा सा मैं आगे निकलूँगा तो सर के ऊपर की तरफ एक कहें तो सीढ़ी टाइप की बनी हुई है, और बस ये दीवार के इस तरफ भी बनी हुई है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर भी चढ़ के रिकॉन के बंदे चढ़ सकते हैं, सपोर्ट क्लास के बंदे चढ़ सकते हैं और C4 लगा के हमारा सफाया कर सकते हैं। तो बहुत ये क्लोज क्वार्टर के लिए मैप बहुत ज़बरदस्त है, टीम डेथ मैच में भी बहुत ज़बरदस्त है, पर बात वही होती है कि अगर एक तरफ आप फंस जाओ तो फंस के रह जाते हो, क्योंकि इस जो बाईं तरफ यहाँ से एक तरह का किसी एक साइड का बेस आता है, पता नहीं चाइना का या US का, टीम डेथ मैच के अंदर, तो वहाँ अगर आप एक बार फंस गए तो फिर दुश्मन आपको बाहर निकलने नहीं देता, जैसे कोई मुंडे निकालता है बाहर निकलने के लिए तो दुश्मन सफाया कर देता है। और उसको पिछला वीडियो में मैंने किया था वो ऑपरेशन मोर्टार पे था, वो भी नेवल स्ट्राइक DLC का एक मैप है, और मैंने कुछ 6-7 मैच खेले थे जिसमें मैंने चारों मैप खेल लिए थे, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था पर अभी तक मैंने पूरी तरह समझा नहीं है, खेलते खेलते आ जाएगा कि क्या क्या फ्लैंकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं और कहाँ से मैच को अच्छी तरीके से खेला जा सकता है। तो अगर आप चाहें तो वो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, और इसके बाद मैं अगला वीडियो करूँगा वो होगा लॉस्ट आइलैंड पर, और देखते हैं कि वो मैप कैसा बाहर निकल के आता है। और इसके साथ साथ लेवल्यूशन पॉइंट्स जो इसके अंदर वो हैं, वो जैसे अगर आप इस गुफा नुमा जो सबमरीन का जो बेस इसके अंदर आप घुसते हो तो वहाँ पे एक सबमरीन रखी हुई है और उसके सपोर्ट को आप गिरा सकते हो, तो बस थोड़ा बहुत लेवल्यूशन हो जाता है। और आप वहाँ पे लाइट्स भी बंद कर सकते हो अगर आपको अपने दुश्मन को चौंका कर मारना है तो।
तो यही सब चीज़ें हैं इस मैप में। तो दोस्तों अगला वीडियो अपन कवर करेंगे लॉस्ट आइलैंड के ऊपर, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होने वाला है। और आपका ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर एक लाइक बटन हिट कीजिएगा, और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे और वीडियोज़ के लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं हूँ गोल्डी, भारत माता की जय।